अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में एक और सॉर्टिंग टेक्निक को डिस्कस करना है जिसको हम रेडिक्स सॉर्ट के नाम से जानते हैं। और जिस तरह हमने काउंटिंग सॉर्ट को देखा था कि वो नॉन कंपैरिजन सॉर्ट है, इसी तरह से रेडिक्स सॉर्ट भी नॉन कंपैरिजन सॉर्ट है। इस सॉर्ट को मोस्टली यूज़ किया जाता रहा है कार्ड सॉर्टिंग मशीन्स में, जो कि हिस्ट्री के अंदर यूज़ करते रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज़, जिन्होंने नंबर्स को सॉर्ट करना होता था, जिन्होंने डेटा को सॉर्ट करना होता था। हेयर यू कैन सी दैट दिस वाज द मशीन, और ये एक पंच कार्ड टाइप चीज़ इस्तेमाल होती रही उसके साथ। अ कार्ड टू बी सॉर्टेड हैज़ 80 कॉलम्स एंड द मशीन हैज़ टू पंच अ होल इन वन ऑफ 12 प्लेसेस। यानी 80 कॉलम्स पे वो होता था और उसमें से टोटल 12 प्लेसेस चूज़ करके उसके ऊपर पंचिंग करनी होती थी मशीन को। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कैसे काम करता था, हम सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये काम होता रहा है या इसका यूज़ क्या होता रहा है। द सॉर्टर देन एग्जामाइंस अ गिवन कॉलम ऑफ कार्ड, प्लेसेस इट इन वन ऑफ द 12 बिन्स। यानी ये जो मशीन थी, ये मशीन 12 जगहों पे, 12 पॉसिबल जगहों में से किसी एक पे होल कर देती थी और फिर सॉर्टर जो पार्ट था इस मशीन का, वो उस होल की पोजीशन से डिटरमिन करता था कि इसकी वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे वन पॉसिबिलिटी ये थी कि जी जो सबसे पहले होल हुआ हो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद वाला होल उसकी वैल्यू उससे कम, एंड उससे कम, एंड उससे कम, एंड सो ऑन, और वाइस वर्सा। कार्ड्स पंच्ड इन फर्स्ट कॉलम हैव हायर वैल्यूज, हायर वैल्यू देन सेकेंड कॉलम होल कार्ड्स, एंड सो ऑन। For decimal digits, only 10 whole places are used. Rest 2 places are used to encode non-numeric characters, alphabets basically. A D-digit number, यानी कि ऐसा number जो कि दो digit पे हो, तीन digit पे हो, चार digit पे हो, या D-digit का हो, would then occupy a field of D columns. ठीक, एक whole, एक digit को represent करने के लिए इस्तेमाल हो सकता था, ठीक, तो हम उसमें डी कॉलम्स यूज़ करके डी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्ड सॉर्टर कैन लुक एट वन कॉलम एट ए टाइम, अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द कार्ड्स। ठीक है, यानी कार्ड सॉर्टर जो है वो तो एक वक्त में एक ही कॉलम को देख सकेगा, ज़्यादा कॉलम्स को नहीं देख सकता, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई एक एल्गोरिथम लगाएं ताकि सारे डिजिट्स के बेस पे उसको सॉर्ट कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें 80 कॉलम्स हैं और दो एंड पे जो है ना एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, तो 80 को आप 8-8 के 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक, और आखिर वाली दो जो है वो आपके इंडिकेटर कॉलम्स या ये बताने के लिए कि पीछे जो क्वांटिटी है वो न्यूमेरिक है या वो डेसिमल है या वो अल्फा न्यूमेरिक है, क्या है, उसके लिए हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो 8-8 के 10 हमारे पास पार्ट्स बनेंगे, हर 8 पार्ट में से किसी एक जगह के ऊपर जो है मशीन पंच कर देगी, तो उससे पता चलेगा कि ये एक डिजिट है। फिर अगले 8 में किसी एक के ऊपर पंच हो जाएगा तो उससे पता चलेगा कि ये डिजिट है कोई एक, ठीक। तो इस तरह से 10 पॉसिबल डिजिट उसमें हो सकते थे। मज़ीद डिटेल जो है आप इस पंच कार्ड और मशीन के मुतलिक जो है विकीपीडिया के ऊपर जाके देख सकते हैं, और एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, ज़रा आप पढ़ के देख लें आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कैसे काम करते रहे हैं। इंट्रोडक्शन। द सॉर्टिंग अप्रोच, यानी रेडिक्स सॉर्ट किस तरह से काम करती है। इट्स सॉर्ट नंबर्स ऑन देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सॉर्ट ईच ऑफ द रिजल्टिंग बिन्स रिकर्सिवली, कंबाइन द डेक्स इन ऑर्डर। ये तीन स्टेप्स हैं, इनको आप जहन में रखें। मसलन सबसे पहले जो है आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बेस पे उसको सॉर्ट करें, फिर उसको जो है सेकंड लॉस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बेस पे सॉर्ट करें, एंड सो ऑन। इस तरह से आप उसको सॉर्ट करते रहें। अगली स्लाइड में जाके ये हमें क्लियर हो जाएगा। दिस प्रोसेस क्रिएट्स मैनी इंटरमीडिएट बिन्स। ठीक, रेडिक्स सॉर्ट सॉल्व्स बाय सॉर्टिंग ऑन द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप मोस्ट सिग्निफिकेंट से शुरू कर दें या लीस्ट सिग्निफिकेंट से शुरू कर दें। ठीक, द एल्गोरिथम देन कंबाइंस द कार्ड्स इनटू अ सिंगल डेक।
with the cards in the zero bin preceding the cards in the one bin preceding the cards in the two bin, and so on. Then it sorts the entire deck again on the second least significant, wahi baat jo maine aapko upar batai. The process continues until the cards have been sorted on all D digits. Only D passes through the deck are required to sort. Is point ko zehen mein rakhe ki D passes chahiye. Yani jitne digit honge utne passes chahiye usko sort karne ke liye. Ab hum is example se isko samajhne ki koshish karte hain. We may use this approach to sort the data which is indexed by the multiple keys. ठीक है, यानी ये कीज़ हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग डिफरेंट तरीके से हो रही हो, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से, तो मल्टीपल कीज़ अगर इंडेक्स कर रही हो तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके को, रेडिक्स सॉर्ट को, ऐसे डेटा को सॉर्ट करने के लिए जो कि मल्टीपल की बेस्ड इंडेक्स हो. फॉर एग्जाम्पल, डेट्स इन कंप्यूटर कैन फर्स्ट बी सॉर्टेड यूजिंग ईयर्स, देन मंथ्स, एंड देन डेज. तो इसमें हमारे पास तीन कीज़ आ गई ना, ईयर भी होगा, मंथ भी होगा और डे भी होगा. तो उसको तीन सेपरेट सॉर्टिंग प्रोसीजर्स या तीन पासेस इसको लगेंगे. इफ़ ए इज एन अरे एंड डी इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट अरे, देन अगेन डी इज द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर वन एलिमेंट. अभी इसको हम देखते हैं, रेडिक्स सॉर्ट कैसे काम करती है. ए इज अरे एंड डी इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन वन एलिमेंट, और तमाम एलिमेंट्स में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. सो फॉर आई बराबर है 0 टू डी माइनस 1, सो फॉर आई बराबर है 0 टू डी माइनस 1, मतलब तमाम डिजिट्स के लिए आपने लूप चलाना है. तो जितने डिजिट्स होंगे उतनी दफ़ा लूप चलेगा, उतने पासेज होंगे. सो 0 से डी माइनस 1 तक डी पासेज होंगे टोटल. यूज अ स्टेबल सॉर्ट टू सॉर्ट अरे ए ऑन डिजिट आई. तो काउंटिंग सॉर्ट हमारे पास स्टेबल सॉर्ट है, तो उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं. लेट वी लुक एट दिस. हमारे पास देखें डिजिट्स कितने हैं एक क्वांटिटी में, ये एक की में तीन डिजिट्स हैं, 3, 2, 9, एक की में तीन डिजिट, अगली में भी तीन डिजिट, अगली में भी तीन डिजिट, तो इस तरह सब में तीन तीन डिजिट हैं. सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास. एन क्या है हमारे पास, 7, और डिजिट कितने हैं हर क्वान्टिटी के अंदर या हर की के अंदर, वो 3 हैं. सो अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि वी विल स्टार्ट विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट इज 9. तो हम तमाम नंबर्स के पहले पहले डिजिट की बिट पे सॉर्टिंग करेंगे. तो लुक एट दिस, ये हमने सॉर्टिंग कर दी. तो उस तरह से हमारे पास ये नंबर भी अरेंज हुए. यानी 720 जो यहाँ पे था, इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था वो सबसे कम था, इसको हमने टॉप पर रखा असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं. तो इसी तरह से हमने इनको सबको सॉर्ट कर लिया. उसके बाद अगले डिजिट की बेस पे हम सॉर्टिंग करेंगे, दैट इज़ द नेक्स्ट डिजिट. और इसकी बेस पे जब हमने सॉर्टिंग किया तो हमारे पास ये देखें, ये सॉर्ट होकर इस तरह से बन गया, 720, 355 और 329. सो 329, सॉरी यहाँ पे 5, ठीक है, तो सॉरी 329, तो 329 ऊपर आ गया. ठीक, दिस 329 यहाँ वाला. और उसके बाद फिर हमने आखिरी इसकी बेस पे सॉर्टिंग किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया. और आप इस रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि दिस इज़ अ प्योरली सॉर्टेड अरे, एक अरे जिसमें 7 यानी एन नंबर्स हैं, एन कीज़ हैं, और हर की के 3 बिट्स हैं. तो आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा. और अब हम आगे चलते हैं इसकी फर्दर डिस्कशन में. लेमा 8.3 चैप्टर 8 से हम इसको देख रहे हैं. स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए एन डी डिजिट नंबर्स, जैसे हमारे पास 7 3 डिजिट के नंबर्स थे, तो एन डी डिजिट नंबर्स वेयर ईच डिजिट हैज़ रेंज 0 टू के, के पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या था, 0 से 9 हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी. रेडिक्स सॉर्ट्स कैन सॉर्ट दीज नंबर्स इन थीटा डी एन प्लस के, यानी एक पास पे जो टाइम लगता है दैट इज़ एन प्लस के, एंड डी पासेज लगेंगे तो साफ ज़रा थीटा डी एन के एन प्लस के रिजल्ट आएगा हमारे पास टाइम. इफ़ द स्टेबल सॉर्ट टेक्स थीटा एन प्लस के टाइम. प्रूफ क्या है उसका, इफ़ ईच डिजिट हैज़ के पॉसिबिलिटीज़, के पॉसिबल वैल्यूज़ एंड के इज़ नॉट टू लार्ज,
काउंटिंग सार्ट इज ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि काउंटिंग सार्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, दैट इज लीनियर. ईच पास ओवर एन डी डिजिट नंबर्स टेक्स दिस मच टाइम. सो देयर आर डी पासिस, टोटल टाइम क्या होगा, थीटा डी एन प्लस के. तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का ये लेमा है, आपको समझ आ सकता है. लेमा 8.4 स्टेटमेंट, फॉर एन बी बिट नंबर्स, यानी जैसे अभी हमने देखा था कि हमारे पास सात क्वांटिटीज थी, जैसे ये वाले थे, तो इसमें सात क्वांटिटीज थी. सो फॉर एन बी बिट नंबर्स एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर आर लेस देन बी, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल एन कितने, सेवन नंबर्स हैं, और हर नंबर के लेट्स से दैट इसको मैं डिजिट कंसीडर कर रहे हैं, मैं इनको बिट समझ लेता हूँ. सो एवरी नंबर कंटेन कंसिस्ट ऑफ थ्री बिट्स, 0, 1 and 2, थ्री बिट्स बेसिकली. ओके, एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी और पॉजिटिव नंबर आर हमारे पास हो, दैट इज़ लेस देन बी, बी से छोटा हो, यानी अगर इसमें तीन बिट्स हैं तो ये नंबर वन हो सकता है, टू हो सकता है. इसमें अगर फॉर एग्जांपल 16 बिट हैं तो ये नंबर टू हो सकता है, फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी हो सकता है, बी तक, बी से छोटा. रेडिक्स सॉर्ट्स दीज नंबर्स इन दिस टाइम, कौन सा टाइम, थीटा बी बाई आर एन प्लस टू आर टाइम. ठीक, ये बेसिकली प्रीवियसली हमने यहाँ पे क्या देखा था, दैट वाज द डी. ये थोड़ा सा इस बात को जहन में आप लेकर आए, प्रीवियसली हमने इस जगह पे डी था. ठीक है, कि कितने डिजिट्स हैं, तो बी बाई आर बेसिकली डिजिट ही बना रहे हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा. और एन प्लस टू आर यहां पे क्या था, के था. ठीक है, तो k क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो चूंकि हम बिट्स के साथ काम करें तो दैट वुड बी 2 power r. ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा ये तो अभी इसको हम क्लियर कर लेते हैं. इफ द स्टेबल सॉर्ट टेक्स दिस थीटा एन प्लस के टाइम, तो बाइनरी नंबर्स को इसमें सॉल्व करेंगे, यानी अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन अगर हम बाइनरी नंबर्स के साथ डील करें तो यही टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर द इनपुट्स इन द रेंज 0 to k. अच्छा, ये कैसे, लेट से दैट वी हैव एन एग्जाम्पल, लेट वी हैव अ 32-bit क्वान्टिटी विच हैज़ 4 8-bit नंबर्स. ठीक है, यानी 32-bit क्वान्टिटी में 8 8-bit के चार नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, टोटल क्या है ये 32-bit, और ये भी 8, ये भी 8-bit का नंबर, ये भी 8-bit का नंबर, ये भी 8-bit का नंबर. ठीक है, तो B में 32-bit हैं और R हम 4 वो करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो R 8, सॉरी, यानी 8-bit का हमने एक नंबर बनाया है. सो ये इस जगह के ऊपर जवाब क्या आ जाएगा, वो आएगा 4, यानी हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स हैं, तो वही D वाली बात हो गई. एन प्लस, अब हर डिजिट में, यहाँ पे क्या था, के था ना, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो हर डिजिट में कितने बिट्स हैं, 8 बिट हैं, तो 2 raised power 8 यहाँ पे आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. तो के बेसिकली आपके पास क्या आ गया, के इज इक्वल टू 2 raised power r-1, यानी 255 पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी 255. और डिजिट्स कितने होंगे, दैट इज बी डिवाइडेड बाई आर, यानी 4, और आर हमने 8 रखा हुआ है. तो आप इस फार्मूले को ज़रा समझ लें कि ये बेसिकली ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों सेम हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है कि ये बिट्स में है और ये डेसिमल डिजिट्स में है, आप यूँ समझ लें. प्रूफ, फॉर ए वैल्यू आर लेस देन बी, यानी ये अगर आर बी से छोटा हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेंगे ना, जो कि 1 से ज़्यादा होंगे. ईच की हैज़ डी इज इक्वल टू बी बाई आर डिजिट्स, ऑफकोर्स, यानी अगर 32 बिट हैं यहाँ पे और आर हमारे पास 8 है, तो हर नंबर में 4 डिजिट्स होंगे ना, जो कि यहाँ हमने देखा है.
ऑफ आर बिट ईच, और हर डिजिट के आर बिट्स होंगे। ईच डिजिट इज़ एन इंटीजर इन द रेंज 0 टू 2 पावर आर माइनस 1। ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें आर बिट्स हैं तो रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 2 पावर आर माइनस 1, ये वाली उसकी रेंज होगी। वी कैन यूज़ काउंटिंग सार्ट विद के इज इक्वल टू दिस, यानी काउंटिंग सार्ट में अगर के की जगह पे 2 पावर आर माइनस 1 रख दें तो द फार्मूला इज सेम। ईच पास ऑफ काउंटिंग सार्ट टेक्स टाइम दिस मच, ये हमें पहले से पता है। तो k की जगह पे अगर हम 2 पावर r रख दें तो वी हैव दिस थीटा इज इक्वल टू n प्लस 2 पावर r, एंड देर आर d पासेज। तो देखें वही बात हो गई कि आपने यहाँ पे d पासेज हैं तो इसको d से मल्टीप्लाई कर दो इस क्वांटिटी को। सो थीटा d n प्लस 2 r इज इक्वल टू थीटा d की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी b बाई r प्लस इन टू n प्लस 2 r। तो ये हमारा लेमा भी बिल्कुल हमें क्लियर हो गया 8.4, ठीक है। यानी इस जगह पे हमने सिर्फ ये देखा है कि अगर नंबर बाइनरी फॉर्मेट में हो तो फिर उसकी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, विच इज गिवन ओवर हेयर। अब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि हमने पिछली स्लाइड पे देखी है। एन क्या है, नंबर ऑफ कीज, रिपीट कर लेते हैं हम इसको। बी क्या है, नंबर ऑफ बिट्स इन ईच की। डी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ की, जो कि बी को आर से डिवाइड करके हम हासिल करेंगे। आर इज बिट्स इन ईच डिजिट एंड के इज द रेंज ऑफ द वैल्यूज, ये हमें पहले से पता है। चूज आर सच दैट इट मिनिमाइजेज द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है। आर को इस तरह से चूज करें कि ये एक्सप्रेशन कम से कम या छोटे से छोटा बने, ठीक है। वो कब होगा वो आप थोड़ा सा खुद देखें कि यहाँ आर अगर हम पुट करते हैं और आर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू बी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 2 पावर आर और आर का कुछ ना कुछ हमने एक बैलेंस कम्बिनेशन निकालना होगा, इस बात को ध्यान में रखें। इफ बी यानी टोटल नंबर ऑफ बिट्स इज लेस देन लॉग एन, यानी अगर हमारे पास 8 क्वांटिटीज हैं, 8 नंबर्स हैं, और हर नंबर फॉर एग्जांपल 3 बिट्स पे है तो वो छोट बी इज लेस देन लॉग एन, तो ये हमारी बात क्लियर हो गई। देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि आर तो बी से छोटा है तभी तो डिजिट्स बनेंगे ना, वरना डिजिट्स नहीं बनेंगे। एन प्लस 2 पावर आर इज इक्वल टू थीटा एन, ठीक। फिर गौर से देखें, आर जो है वो बी से छोटा है, आर छोटा है बी से तो यहाँ पे कुछ डी आएगा ना, विच इज सम कांस्टेंट। एन प्लस 2 आर, 2 आर वुड अगेन बी सम कांस्टेंट, सो इट वुड बी थीटा एन। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा एन। इफ आर बराबर है बी, ठीक है, यानी डी वन हो जाए तो उस केस में भी आपके पास आर बराबर है बी हो गया, तो यहाँ पे 2 पावर बी पुट करेंगे। देन बी ओवर आर एन प्लस 2 पावर आर, इसमें हम आर की जगह पे बी पुट कर दें, वी गेट बी ओवर बी एन प्लस 2 पावर बी, बी और बी कट गए, वी गेट एन प्लस 2 पावर बी, ठीक। और इस केस में भी हमारे पास थीटा एन ही आएगा क्योंकि 2 पावर बी तो कॉन्स्टेंट रहेगा। आप जितने मर्जी नंबर बढ़ाते चले जाएं, नंबर 5 कर लें, नंबर 10 कर लें, 20 कर लें, 200 कर लें, 2000 कर लें, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक, क्योंकि आपने बी और आर फिक्स रखा हुआ है। लिहाजा दिस इज अ कांस्टेंट, यू गेट दिस टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर द एल्गोरिथम। तो ये हमने एक पॉसिबिलिटी देख ली। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ बी ग्रेटर देन लॉग एन, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी, एन प्लस 2 आर इज इक्वल टू थीटा एन, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर लें, एक तो आर को हमने बी से छोटा या उसके बराबर रखना है, ठीक है। अगर बी लॉग एन से बड़ा है, यानी बी जो है वो नंबर ऑफ लेट्स से दैट एन को अगर मैं 8 रख लूँ तो लॉग ऑफ एन क्या होगा हमारे पास 3, ठीक।
ठीक है, और नंबर ऑफ बिट्स जो हम ले रहे हैं वो तीन या तीन से बड़े यानी चार बिट्स हैं फॉर एग्जांपल हर क्वांटिटी में, देन फॉर एनी वैल्यू आर लेस देन इक्वल टू बी एन प्लस टू इज पावर आर वुड बिकम दिस। अगेन ऐसी सूरत हाल में भी ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा, यही चेंज होगा इनपुट साइज चेंज होने से, तो एन चेंज होगा, टू रेज पावर आर में फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी यही रहेगी। इफ आर इज इक्वल टू लॉग एन देन थीटा जो है बेसिकली बी एन लॉग एन, ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारा एक्सप्रेशन था, ठीक, दोबारा से मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हैं तो इसी को हमने ध्यान में रखना है। आर को हमने कहा वो लॉग एन है, तो बी ओवर लॉग एन, तो इसको हमने अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, बी एन ओवर लॉग एन प्लस टू आर ओवर लॉग एन हो जाएगा, जो कि ये है, ठीक है। लॉग एन और लॉग एन, अब ये जो क्वांटिटी है इसको ज़रा गौर से करें, हमने क्या कहा आर इज इक्वल टू लॉग एन, आर की जगह पे आप लॉग एन पुट करें और यहाँ बी बी टू लॉग एन हो जाएगा, देन यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिदम हम इसको लिख सकते हैं लॉग एन टू रेज पावर बी, तो लॉग एन से ये नीचे वाला लॉग एन कट जाएगा, टू रेज पावर बी रह जाएगा, जो कि फिर कांस्टेंट है, एन निकल गया ना उसमें से, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई और ये रह जाएगा, ठीक है, तो आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी ये आ जाएगी, ठीक है। याद करें पिछली किसी स्लाइड्स में हमने कुछ इस तरह से कहा था, एक्स लॉग अगर हमारे पास कुछ समथिंग टू रेज पावर बी हो, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी लॉग टू रेज पावर एक्स, ये प्रीवियसली हमने किसी स्लाइड के ऊपर पढ़ा होगा, काउंटिंग साइड को जाके पढ़ लें उसमें होगा। इफ आर ग्रेटर देन लॉग एन, टू रेज पावर आर इन न्यूमिरेटर इंक्रीजेस फास्टर एंड आर इन डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी अगर मैं r को log n से बड़ा फर्ज कर लूं, ठीक है, r जो है log n से बड़ा है, तो उस केस में यहां पे भी log n प्लेस हो जाएगा, इसको आप हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको ये वर्कआउट करेंगे, लेट अस से दैट r ग्रेटर देन log n, ठीक, तो b और मैं इसमें r यहां पे log n ही पुट कर देता हूं। अब ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा बी लॉग एन, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइजर में आ गया ना, और अंदर वही एन प्लस टू इज पावर लॉग, ठीक। तो इस केस में ये जो नई चीज़ मैंने बनाई है सब्स्टिट्यूशन से, ये लोअर बाउंड बन जाएगी मेरे असल फंक्शन की, इसकी, ठीक है, एंड आई विल गेट दिस, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रा थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया ना, ऐसे ही इसको लॉग एन के साथ आप ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो यू विल गेट दिस, ठीक है। और चूंकि log n को हम फर्ज कर चुके हैं कि वो r जो है r बड़ा है हमारा log n से, तो ये हमारा log n वाली जो चीज़ होगी वो लोअर बाउंड बन जाएगी, और अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस, और ये चूंकि लोअर बाउंड होगी तो लोअर बाउंड को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप पेपर पे सॉल्व करके देख लें। इफ r लेस देन log n, ठीक, तो फिर उस केस में क्या होगा, देखें r जो है हमारा लेस देन log n है, तो आप यहाँ पे log n पुट करें तो ये यूं हो जाएगा, ठीक, और log n, तो यहाँ पे आप ऊपर log n पुट करेंगे, ठीक है, तो वो फिर इसी तरह से करते हुए ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास बड़ी क्वांटिटी कौन सी बचेगी n, तो आपके एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी n ही आएगी। अगेन आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू सॉल्व इट योर सेल्फ, ठीक है। ये तीनों केसेस में आप देखें r बराबर log n कैसे निकलता है,
आर ग्रेटर देन लॉग एन कैसे होगा और आर लेस देन लॉग एन कैसे होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास लोअर बाउंड ये निकल रही है, ठीक है, और अपर बाउंड और एवरेज बाउंड ये बन रही है ओ ऑफ एन। तो दिस इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर रेडिक्स सॉल्ट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।